आ जाओ जिसने बाइक जाना है, दरवाजा खोल, इनको बाइक जाने दे। अरे यार सब कुछ खत्म किया हुआ है इन्होंने, आज तो टाइम से खत्म कर दिया है, पानी भी सारा बल्कि गिराया हुआ है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी खत्म हुआ पड़े। ओ ये तरपाल को क्या हो गया, पीछे आ गई हुई है, यहाँ से पीछे आ गई है। मुझे लगता है दोस्तों रात को तेज हवा चली है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अंडा दिए, अंडा ये वाला दोस्त कह रहे हैं, भाई कह रहे हैं कि ये इनका चिंकी मिंकी का। नहीं नहीं इतना बड़ा, ये डक ही है। तो डक अंदर क्या करने जाती है, वो तो रहती भाई। मैं तो हैरान हूँ, अंदर तो अंडा देती नहीं है, इतना बड़ा ये क्यों देती है, इतना बड़ा ये मट्टी। अच्छा अंदर से लगी हुई है मट्टी। दोस्तों मान लेते हैं ये हमारी सिक्योरिटी गार्ड डक है ना, उनका है मार्शमेलो का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों फाइनली हमारे सेटअप पर एक और पेयर आने वाला है, तो वो है टर्की बर्ड। तो यार हम जा रहे हैं काफ़ी दूर जाके लेकर आना है, पहले सबसे पहले इनको डाइट देते हैं, फिर जाते हैं, फिर जाके लेकर आते हैं। बहुत ज़्यादा दोस्तों आपकी रिक्वेस्टेड के बाद आज हम लेकर आने वाले हैं टर्की बर्ड, बड़ी मुश्किल से हमने ढूंढे हैं। पहले भी मैंने आप लोगों के कमेंट पढ़े तो मैंने सोचा कि यार लेकर आते हैं, मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्चिंग वगैरह की, मुझे मिल रहे थे लेकिन फ़ीमेल किसी और से मिल रही थी, मेल किसी और से मिल रहा था, और दोनों में 50 किलोमीटर का डिफरेंस था। पहले यहाँ से 50 और फिर मेल जहाँ से लेना है वहाँ से 50, फीमेल इतनी दूर थी, तो फिर वो मैंने नहीं लिए, मैंने छोड़ दिए। तो अब हम एक ही जगह पे मिल रहे हैं लेकिन वो भी यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। तो हम आज जा रहे हैं, जाकर लेकर आते हैं, हमारे सेटअप पर नए मेहमान हैं, अभी यंग पेयर है, तो मैंने पिक्चर में देखा है, अभी मैंने वैसे रियल में नहीं देखा, तो मैंने कहा चलो यार डन करते हैं, हमने डन कर दिया, तो आज जैसा भी हो वो हम लेकर आएंगे। यार इतनी लेट, यार दंद देख लो, मैं दाना भी लेकर आ गया हूँ, दाना तो आसानी से डाल के ले आते हो ना, ये बहुत मुश्किल काम है, जल्दी से भर ले आजा। चल आज फिर दोनों इकट्ठे फिर रहे यहाँ पे, इधर आओ ना जरा। किंग का क्या काम है दोस्तों, भाई इसको कोई उठा लेगा, मोर तो काबू नहीं आता, कोई पता नहीं, काबू करने वाले काबू कर ही लेते हैं। मैं भी कहूँ कि यहाँ पे एक बर्ड कम नजर आ रहा है, ये क्या किया इन्होंने, क्या करते हैं मुझे नहीं समझ आती इनकी। ये लोग काफी ज्यादा भूखे, इनको भूख लगी हुई है, अभी तक इनको कुछ भी नहीं दिया। अंदर काफ़ी ज़्यादा मट्टी भेज देते हैं, ये ईंटें लगा के फिर ऊपर रखते हैं। आतिफ को देखते हैं क्या करता है, चलो आतिफ। उई माँ सारा गिरा दिया, मटका बड़ा है, छोटा होना चाहिए था। क्या कोई फ़ायदा हुआ तुम्हारा, सारे उल्टा काम। माशाल्लाह दोस्तों ब्लैक इडियट की शाइनिंग देखे परों की, बहुत ही हाई क्वालिटी की शाइनिंग है इसकी, इसकी तो नहीं इतनी खास, इसके माशाल्लाह बहुत प्यारे पंख निकले हुए हैं। अब हमारे पास ब्लैक कलर की एक ये वाली मुर्गी और एक जो अबू लेकर आया मैडम, और एक ये वाली ब्लैक कलर की, तीन हो गई हैं। देखो आगे भूखे, पीछे हो, पीछे हाँ, तीस चिकन लेकर आया, सब इकट्ठे हो गए हुए हैं, सारा फेंक दो। यार वो क्यों गिरा रहे हो वहाँ पे कॉर्नर पे, बाहर गिरेगा वो फिर खाएंगे। अंडा उठाता हूँ मैं और ताला लगाता हूँ और जाते हैं छत के ऊपर, न जाने कब होंगे ये दिन ख़त्म। धूप वाले बर्ड तो तंग तंग है, हम बहुत ज़्यादा तंग हैं। बारिशें बताई हैं, पता नहीं ख्वाब में बता दिए उन्होंने, अभी तक और नहीं रही, तुम्हें पता नहीं किसने बता दिया। ये देखो बारिश से आ गई है, कौन शोर कर रहा है, ये इनको भूख लगी होगी, पानी ठीक है इनका, दाना तो पड़ा हुआ है, पानी भी ठीक है इनका। दोस्तों मैं यहाँ पे देख लूँ, रात को हमारा डक का बच्चा मरते मरते बचा है, उसको मैंने इंक्यूबेटर में बंद किया था, आखिरी सांसों पे है यार पे है। इसने मुझे रखा ऊपर, मट्टी बहुत गिराई है उनके ऊपर, ये देखो पानी लेकर आओ यार, पानी जल्दी से लेकर आओ यार, इसने मिट्टी गिराई है, सारी मिट्टी दोस्तों उसके ऊपर गिराती रही है ये, वो पानी के अंदर भी प्लेट के अंदर भी हर जगह मट्टी मट्टी कर दी इसने, वो दूसरे वाले भी मट्टी से भर दिए हुए हैं, भाई निकालो इनको भी, पी रहे सारी मट्टी उसके मुंह में। आदमी को चीज पकड़ यार, आंखों में भी मट्टी डाल दी है। इधर लेकर आ कपड़े साफ, इधर दो बच्चे, तुम्हारे काम की चीज नहीं है, इधर आ जाओ, ये मदर ठीक नहीं है, इधर आ जाओ मेरे पास। मैंने यार इनको भाई निकाला, फिर बाहर के अंदर चला गया, ये देखो, अरे चला गए इधर आओ ना, इधर आओ, पागल होगी क्वीन पागल होगी, दोस्तों उसका अपना बच्चा उससे दूर भाग के वो देखो बैठा हुआ है। इसको यार मैं खुद पानी पिला रहा हूँ, अब बेहतर हो गया हुआ, पहले तो सर गिरा लिया था इसने, इतना ज़्यादा पानी यहाँ पे पड़ा, इधर आओ, ये देखो ये पानी है, आ जाओ ये लो, तुम भी आओ ये लो, यानी ये कुड़क पे बैठ गई है, क्या हुआ है ये कुड़क पे बैठ गई है, देख वो अंडा साइड पे पड़ा हुआ है, अभी लग जितना पता नहीं, कुड़क पे नहीं है, मुझे लगता है दूसरा अंडा देने वाली, ये कल वाला, वो देख ले आज़ादी चाहिए तुम्हें। इनको 200 मैं नीचे शिफ्ट करने वाला हूँ, नीचे जो केज पड़ा हमारा वहाँ पे,
और हमारी क्वीन को आज़ाद छोड़ने लगे हैं। ये बच्चों के काबिल नहीं है, इसने सारे बच्चे जो है ना वो मार देने हैं ऐसे ही ऊपर मट्टी गिरा गिरा के। यहाँ पर हमारी ये वाली नई वाली मुर्गी कल जो मैडम लेकर आए थे, ठीक हो? इसका अंडा देखना था, दिया इसने अंडा? कल नहीं दिया था इसने? नहीं, आज भी नहीं दिया। आज भी नहीं दिया? नहीं दिया। बस इसके अंडे ख़त्म हो गए हैं। सभी को डाइट रख दी है ऑलमोस्ट। यहाँ पे पिजन रह गए हमारे, पानी चेंज कर दो आतिफ उनका। बाकी ऑल गुड है, ऑल ओके है। यहाँ पे हमारा केज जो है गिरा तो हमने दिया, बनाएंगे पता नहीं कब, कब बनाना है ये वाला केज? 2023 जब सर्दी आएंगी। हाँ, जब सर्दी आएंगी, गर्मियाँ ख़त्म हो जाएंगी। पहले 200 में लेकर आऊँ टर्की, बट उसके बाद मैं देखता हूँ हमारे कोकटेल जो है ना वो जाते हैं बॉक्स के अंदर। आई फिर दोबारा चेक कर लेता हूँ ये वाकई अंडा देने वाले हैं। एक कोकटेल 200 मुझे बीमार लग रहा है, इसको मारा है इसने। ये वाला देखे वाइट वाला, इसको मुँह पे रखा मैं, आके देखता हूँ इनको क्या मसला है। बच्चे चोरी कर रहे हो? चलो उठाओ इनको नीचे लेके जा रहा हूँ मैं। तुम्हें क्या लेट ही गए हो बड़े तेज है ना ये नहीं बात आते। 200 फाइनली अब जाके हम जाने लगे हैं, तो इतने डीट है ना ये गर्मी गर्मी लगाई है, पता नहीं कब कैसे राजी किया इन्होंने। बहुत ज्यादा गर्मी यार, कैब ले ली मेरे फाक भाई को। कैब ले ली, कैब अंदर पड़ी है मेरी, मैं लेकर आया। फाक भाई को भी साथ ले लिया हुआ है, तो आतिफ भी साथ जाएगा, हम तीनों एक बाइक पर जाएंगे। आज मजबूरी है यार, जाना पड़ना है, इतनी दूर जाके बढ़ लेना यार, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं जाऊँ। अब मैंने पैसे भी उनको भेज दिए हुए हैं, तो जाना तो पड़ेगा ना। 200 यहाँ पे पानी पीने के लिए रुके थे, तो फाकर के छोटी सी चिड़िया आके यहाँ पे लगी थी। यहाँ पे यार रास्ते में लगी थी ना भाई, इधर आ जाओ साइड पे आ जाओ। यही चीज थी यार रास्ते में लगी थी, मैं समझा पता नहीं कौन सी चीज है ये लगी। तो बाद में हमने 15 मिनट का सफर किया है यहाँ तक आए हैं, तो ये जब हम पानी पीने उतरे तो यहाँ पे चिपकी थी ट्रोजर के साथ। यहाँ पे चिपकी हुई थी, जब मैं उतरा ना नीचे तो यहाँ पे चिपकी हुई थी। बच्चा ही है यार, छोटा सा बच्चा है, इसको पानी पिला दे मेरे ख्याल से। ये देखो यार मुंह उसका खुला ही हुआ, मुंह बंद ही नहीं कर रहा, हालत खराब। पानी 200 हमने इसको पिला दिया हुआ है, कभी उड़ के आतिफ के ऊपर बैठ जाती है, कभी मेरे हो, कभी रफाकत के। तो इसको ना वहाँ पे दरख्तों के बीच छोड़ देते हैं, यहाँ पे रोड के पास नहीं छोड़ेंगे, ये गाड़ी के नीचे ना आ जाए। अच्छा ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ चीज़ ऐसे निकली है तो लगी है, तो बाद में पता ही नहीं है कि कौन सी चीज़ थी। यार ये देखो कितनी प्यारी है यार। वो उड़ गई, रुको खुद ही चले गई है, चलो रहने दो। पानी उसको पिलाया तो उसको होश आ गई, अपना काफी ज्यादा एक्टिव थी जिसकी वजह से वो उड़ गई हुई है। अब चलते हैं हम अपने सफर की तरफ। फाइनली हम पहुंच गए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं दुकान में कुछ चीजें हैं यहाँ पे दिखा दो। ये देखे ये बड़े, ये रहा देखे माशाल्लाह, इनके चूचे देखे कितनी बड़ी है। ये ब्रीडर पेयर है, ये वाले रेड आइज है व्हाइट कलर के, और एक ये वाला है तो यार ये वाले ब्लू रिंगनेट हैं, ये वाला एक ग्रे वाला है। ये मेरे ख्याल से कुछ 30-40 हज़ार का है, ये 65 हज़ार का पेड़ है। ये वाला हीरा असीम मुर्गी, यार मैंने ना काफ़ी ढूंढा है कि मुझे पूरा पेड़ मिल जाए, ये पेड़ नहीं है, ये मुर्गा जो है ना ये क्रोसो में से है, ये प्योर हीरा असीम मुर्गी माशाल्लाह यार। अभी फ़िलहाल मैं ये नहीं ले रहा, जो हमारे टर्की बर्ड आ गए हैं वो लेकर जाऊँगा मैं। सेंटिनेंट पिजन है, उसके बाद अमेरिकन बच्चे हैं इसके साथ, ये पाल रहे हैं इनको। इसको क्या हुआ है? और तुम्हें क्या हुआ है, बीमार हो? ये किस तरह की मुर्गा है, बीमार है ये। बाकी यहाँ पे कॉकटेल वगैरह हैं, जो पहले वाले कॉकटेल थे वो यहीं से लिए थे हमने, जो हमारे पास हैं तो फिन चीज़ आई थी यहाँ पर, और कुछ नहीं है। बाहर में जाके आपको दिखाता हूँ। ओए अरे ओए, गंजी मुर्गी है, अकेली मुर्गी है ये मुर्गी अकेली एक ही है। एक अरे यार पैर चाहिए था, पैर होता तो ले लेने का, पैर क्यों नहीं मिल रहा हमें? ये वाले देखे हमारे टर्की बर्ड, अभी यंग है, अभी 200 यंग है, अभी ब्रीडर नहीं बने, ब्रीडर इन्होंने हो जाना है सीजन में। बाकी यहाँ पे पिजन वगैरह हैं और सील मुर्गा एक बनती है, तो कैसे लेकर जाएंगे यार, ये तो काफ़ी बड़े हैं। कितने के बड़े हैं, आ जाएंगे सारे, एक मैं पकड़ूंगा एक साथ भाई। यहाँ पे एक ही शॉप है, तो यार चलते हैं जल्दी से लेके, और कुछ दिखाने के लायक नहीं है, ये मार्केट नहीं है, बस एक ही शॉप है यहाँ पर, देख ले कोई शॉप नहीं है। जनाब
यार जड़ा वाले लेकर जाने तो ये बोरे में लेकर जाने पैसे नहीं आएंगे। पकड़ा दी ये वाला मेल है, ये मेल तो ये आ गई फीमेल। मोनी निकालना इनका हाँ ये ना हो यार ऐसे में मर जाए कहते ऐसे ठीक है। चलो उसको साइड पे करो ना, ये उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, साइड पे करो। फिर भी दोस्तों हम एमरजेंसी सुराख निकालने लगे। भाई हम आ गए हुए घर और काफ़ी ज़्यादा जलील हो गए, मट्टी शट्टी खा गए, तो अब इनको ना छोड़ देते हैं फिलहाल जू के अंदर, तो शाम को आपको ना दिखाएंगे थोड़ा सा फ्रेश होके। आज सूरज मुझे लग रहा है जैसे काफ़ी ज़्यादा ऊँचा खड़ा हो गया हुआ है, कोई भी छाँव नहीं है जू के अंदर, यहाँ पर थोड़ी सी है, इधर भी थोड़ी सी है। चलो भैया आ जाओ निकलो भाई, छितर मुर्ग। अरे बेचारे थक गए हैं, ये मेल है बड़े वाला, ये फीमेल है। तो भाई दोस्ती शुरू हो गई है इनकी, आपस में बातचीत शुरू हो गई है। देखें देखने हैं ये क्या चीज आई है। नहीं नहीं वो आपस में ना वो पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से हैं, कौन सी सिटी से हैं, आपकी कास्ट क्या है, नेम क्या है। भाई से शोर आ रहा है, इसका आ रहा है, ये बाहर कूद गया होगा। चलो अंदर चलो चलो शाबाश। क्या यार नई मुसीबत आती है, घर चला गया तो मुझे थकाना शुरू कर दिया इसने। अरे निकल यार क्या कर रहा तू, पकड़ ही लिया भाई इसको, बड़ी मुश्किल से पकड़ा। अब इसको मैं बंद करता हूँ केज में कहीं पे, इतना बड़ा ये है केज के अंदर कैसे आएगा। माशाल्लाह दोस्तों बड़ी ठंडी हवा चल रही है, मौसम काफ़ी प्यारा हो गया हुआ, मैं तरपाल को पीछे कर रहा हूँ, फिर आगे आ जाती है। जब हवा का झोंका आता है तो यार मोह नहीं नज़र आ रहा मेरा, कहाँ पे चला गया, इसने मुझे तंग किया हुआ है। वो देखे हाँ वो मिल गया यार, वो देखे किसी के घर के ऊपर जाके बैठा हो, यहाँ पर देखे। आतिफ कह रहा है कि इसने कुछ भी नहीं खाया, एक चूंच भी नहीं लगाई इसने बाजरे को, हमारी सुरखाब ने बाकी कोई चूज नहीं लगाई इसने, कहाँ पर वो देखें। अब ऐसा करते हैं दोस्तों, ये हमारा वाइट इडियट है, इसको बंद कर देते हैं और सुरखाब को बाहर निकाल देते हैं, ये तो काम ख़राब है, ऐसे तो इसने मर जाना है। हमारे पास दोस्तों दो चार पाँच अंडे दे के कुड़क होने वाली मुर्गी है, अब ये भी कुड़क हो गई हुई है, ये भी उठने का नाम ही ले रही है, बैठने लगी। कितने अंडे दिए थे इसने? इसने तकरीबन पाँच दिए हैं बस बस। हाँ अब देखो इसका काम देख लो, और इसको बाहर आने की पड़ी है, ये छलांगे लगा के बाहर आ जाता है। अब चलते हैं दोस्तों जू में और जाके आपको मैं टर्की बर्ड दिखाता हूँ। चलो तुम आओ भाई, अब तुम्हें निकालते हैं, पानी पुनी गिराया सब कुछ तुमने, इसे क्यों बंद किया है यार? ये भाई भाग गया था, बड़ी मुश्किल से मैंने पकड़ा, वो ऊपर से कड़कती धूप थी, इसकी चूँच कितनी बड़ी हुई, वो डायनासोर नहीं उड़ने वाले होते वो लग रहा है ये। चलो भागो, कमाल है यार। हमारी ब्लैक एंड का 200 चिकन ख़त्म हुआ है, आतिफ लेने जा रहा है चिकन, आतिफ जल्दी से आ गया तो इसको चिकन दे देते हैं, जो सुबह पड़ा था वो हमने इनको दे दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारी टर्की बर्ड एडजस्ट हो गई हुई है, इनका नेम वगैरह बाद में सोचेंगे क्या रखना है, तो यहाँ पर ये भागेंगी नहीं, ये इन्होंने भगाया था दोपहर को भी, अब ये एडजस्ट हो जाएंगे जल्दी। तो आज की वीडियो यही ख़त्म करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी कर दें।